चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम्स खत्म किए थे पाइथागोरस के। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम बाकी था और हमारे एक्सरसाइज के सम्स बाकी थे। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बाद में भी ले सकता हूँ, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिलहाल एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ, एक्सरसाइज के सम्स देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1 में 10 सम है, उसके बाद कुछ है दो, तो हम लोग क्या करेंगे इंपॉर्टेंट सम्स जो है वो ले लेंगे, या तो फिर हम लोग लाइन से ले लेंगे, जितने सम्स होते उतने मैक्सिमम कवर कर लेंगे, एक दो सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है उस पर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, 3, 5, 4। अब मुझे चेक करके बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो एकदम आसान तरीका बताता हूं, पहले दो छोटी वैल्यू का स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबका स्क्वायर ले लो एक बार, 5 का स्क्वायर 25। फिर आपको क्या करना है, दो लोवेस्ट आंसर को प्लस करना है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 को एड करोगे तो क्या आ गया, 25 आ गया। 25 मतलब ये 5 के स्क्वायर के बराबर आंसर आ गया। दो लोवेस्ट वैल्यू मतलब मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर ये आ जाता है ना तो क्या लिखने का, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, डन हो गया। क्या करना है, मैंने दो लोवेस्ट वैल्यू, तीनों का स्क्वायर निकाला, फिर दो लोवेस्ट वैल्यू के स्क्वायर को ऐड किया, यानी 9 प्लस 16 को ऐड किया, तो आंसर आ गया 25। इसका आंसर और ये आंसर सेम आ जाता है, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का टोटल इसके बराबर आ गया, मतलब इनका टोटल इसके बराबर आ गया, तो करेक्ट है। अदरवाइज मतलब इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसपे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना हो, तो उसमें क्या लिखना होगा, जैसे कि और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4, 9 और 12, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। तो पहले मैं तीनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, तो अब मैं क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, 16 प्लस 81 97, ठीक है। अब ये 97, ये आंसर और ये आंसर सेम, मतलब इनका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, क्या ये दोनों आंसर सेम है, नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा हियर 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 12 का स्क्वायर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज नॉट एन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज नॉट एन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको नीचे का नहीं दिख रहा तो मैंने जो बोला वो सुन लो तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, डन। इसके बाकी के सम्स आपको होमवर्क रहेंगे, ये आप लोग देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते, सेकेंड क्वेश्चन में जो जो मैंने थ्योरम्स, देखो अभी ये जो सम्स कर रहे हैं तो आपको पहले थ्योरम समझने होंगे तो ये आपको सम समझ में आएगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, एम एन पी क्यू, एंगल एम एन पी में एंगल एम एन पी 90 डिग्री है और एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी और एम क्यू इज 9 है, क्यू पी इज 4 है, एन क्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री, एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, एम क्यू इज 9, क्यू पी इज 4, और ये सारी पार्ट हम लोग लेते हैं, ये सब हमको कहा दिया है, गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है गिवन में। और टू फाइंड करना है हमको, टू फाइंड करना है हमको एम क्यू, ठीक है। ये सब तो मैंने एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया था एज इट इज दिया,
अब देखो आपको हमेशा क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि आपको क्या क्या दिया है। आपको एमक्यू और क्यूपी दिया हुआ है, एमक्यू और क्यूपी ये वैल्यू और ये वैल्यू दी हुई है, दैट इज 9 और 4। आपको क्यू एन फाइंड करना है, ठीक है, क्यू एन फाइंड करना है। तो जब भी आपको एक परपेंडिकुलर और यहां से ये परपेंडिकुलर सेगमेंट हाइपोटेनस पे ड्रॉ होगा, तो आपको क्या क्या थ्योरम ध्यान आना चाहिए, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ये जो सम होगा वो किससे सॉल्व हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से होगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में क्या होता है, ये जो ये हाइट है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। हाइपोटेनस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या लिख दूंगा, एम क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी, एम क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी। जिन लोगों ने थियरम नहीं देखी वो थियरम समझ लो पहले, थियरम देख के बाकी सम्स देखो, तो ये आएगा, ठीक है। और इधर मैं लिख दूंगा ज्योमेट्रिक मीन थियरम, तो एम क्यू की वैल्यू, एम क्यू की वैल्यू दी हुई है 9, क्यू पी की वैल्यू दी हुई है 4, मल्टीप्लाई कर दिया 36। तो आगे मैं लिखता हूं एम क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36, तो एम क्यू का आंसर आ जाएगा 6। दैट्स ऑल, एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, वो आपको मिल गया ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से। तो 9 इंटू 4 करूंगा तो 36 आ गया, और एम क्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो एम क्यू इज इक्वल टू 6। दैट्स इट, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ये सब खत्म हो गया। थर्ड सम में यहां पे कुछ इस तरह से डायग्राम है, मैं डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। P, Q, R ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल से हाइपोटेनस हो गया। इस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है M, इसकी वैल्यू 8 दी हुई है, इसकी वैल्यू 10 दी हुई है। मैं लिख देता हूँ गिवन वाले पार्ट में, क्वेश्चन से ही देख के लिख देता हूँ गिवन वाले पार्ट में, मैं गिवन इधर ले लेता हूँ। गिवन वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देखते रहो तो मालूम पड़ता रहेगा क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। QPR है 90 डिग्री, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR एंड सेगमेंट QR एंड Q'M'R, ठीक है, Q'M'R। इसके बाद आपको दिया हुआ है PM 10 है, QM 8 है, और फाइंड करना है QR। मैं यहां लिख देता हूं टू फाइंड QR, ठीक है, QR फाइंड करना है, QR यहां से लेके यहां तक है। तो आपको पता है सिंपल चीज क्या है, इसका स्क्वायर, पहले आप ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से क्या करोगे, 10 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वापस से ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज हो सकता है, ठीक है। जब भी ऐसे सिचुएशन होते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कौन से थ्योरम होते हैं, एक सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल और एक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो इस सम के हिसाब से हमको क्या लेना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। सबसे ले लो क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर क्या हो जाएगा, QM मल्टीप्लाई बाय MR, और इधर लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, अब PM का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू QM क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय MR। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 नीचे आके डिवाइड हो गया और इधर बचा MR। 8 1 8 2 0 8 2 16 4 0 8 5 14, तो MR का आंसर आ गया 12.5। MR मिल गया 12.5, पहले नहीं पता था, अब हमने फाइंड कर लिया, लेकिन अभी भी सम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें फाइंड करना है QR।
क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर पूरा क्या होता है, क्यू एम प्लस एम आर, और ब्रैकेट में लिखना है क्यू डैश एम डैश आर। सो क्यू एम कितना है 8, एम आर कितना है 12.5, प्लस करके आंसर क्या आएगा 20.5। लेट्स सॉल्व, अच्छे से लिख लीजिए, एकदम सिंपल सम है। जो पिछले सम में जो कॉन्सेप्ट यूज किया था उसी सम से हमने ये कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एस 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, पी और एस पी और आर, आर दिया हुआ है 6, और मुझे ये दोनों फाइंड करना है, ठीक है। डायग्राम में मेरे को पी आर और आर पी एस फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें इसका सोल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ, गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सोल्यूशन, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बोला है। सो क्या लिखना है सोल्यूशन में, इन ट्राइंगल पी क्यू सॉरी इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल पी प्लस एंगल आर एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे पहले क्या, तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री, रीजन आ जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इसका रीजन हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एंगल पी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल एस कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और एंगल आर हमें नहीं पता, तो एंगल आर इधर ही रखता हूं, ये हो गया, क्या हो गया, इन दोनों का टोटल करिए तो कितना हो जाएगा 120, 180 माइनस 120 हो गया, तो एंगल आर कितना मिल गया 60 डिग्री, एंगल आर मिल गया 60 डिग्री, ठीक है, याद रख, क्लियर है, एंगल आर जो आपको मिल गया 60 डिग्री, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। आगे देखते हैं, एंगल आर 60 डिग्री मिल गया। अब आपको पता है दैट फोर्थ ट्राइंगल पी एस आर इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था 30 60 90 थ्योरम का प्रॉपर्टीज, अगर कोई ट्राइंगल 30 60 और 90 डिग्री ट्राइंगल है तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होगा, रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनियस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, नहीं है ध्यान है तो प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखो पहले ही है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लेता हूं, तो 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, एसआर, ये 30 डिग्री पे हाथ रखो तो क्या बचेगा, एसआर, तो एसआर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहां से मिलता है 90 के सामने वाला, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनियस हाफ ऑफ पीआर, एसआर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 6 हाफ ऑफ पी आर, तो ये 6 × 2 क्या हो जाएगा 12, और इधर बचेगा पी आर। सबसे पहले मैंने पी आर फाइंड कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, पी आर यानी आर पी सेम ही है, अब मुझे एस पी फाइंड करना है, एस पी किस तरह से करूंगा, यहां पे लिख देना है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, इतना लिख देना है रीजन में। अब हम लेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल मिल चुका है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा पी एस, 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है पी आर, ये हो जाएगा रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 × 6 = 12, तो आंसर क्या आ गया 6√3, पी एस इज इक्वल टू 6√3, दैट्स ऑल, डन, सम खत्म। ये आपने 30 60 90 थ्योरम से किया, देख लो अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है सब में। आज हम लोग 7 सम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके 3 सम और ले लेंगे, ठीक है, मैं यहां पे रब कर देता हूं ये पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर
2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिया हुआ है, ए बी और सी ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये रूट एट है, ठीक है, ये एक्टिविटी है, बहुत सिंपल चीज है। अब देखो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि एक्टिविटी सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ये ट्राइंगल जो दिया है ना, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस कैसे पता चलेगा, साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। जब एक ही ट्राइंगल में दो साइड्स, ऐसे दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको ध्यान रखना है हमेशा कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा 45-45 वाला ट्राइंगल रहेगा, 45-45-90 वाला, ठीक है ना, उसके एंगल्स क्या होंगे, कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स क्या होंगे, 45-45-90, ये आपको दिमाग में रखना है। सो इस ट्राइंगल सम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 45-45-90 थ्योरम देंगे। 45-45-90 थ्योरम में क्या देखा था हमने, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2 × hypotenuse। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री हमेशा 1/√2 × hypotenuse होता है। सो ए बी, ये फर्स्ट साइड अपोजिट टू 45 डिग्री और सेकेंड क्या है बी सी, ये क्या हो जाएगा 1/√2 × hypotenuse क्या है ए सी, ठीक है। मैं एक्टिविटी कुछ फिल कर रहा हूँ, एक्टिविटी में सबसे पहला पार्ट आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, सबसे पहले लिया हुआ ए बी इज इक्वल टू बी सी और उसमें रीजन क्या आ जाएगा गिवन, ये ऐसा कुछ है। फिर देयरफॉर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फिर आपको क्या लिखना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, फिर से ब्रैकेट दिया हुआ है, बॉक्स दिया है 1/√2 × hypotenuse होगा, 1/√2 × √8 हो गया, रूट एट को मैं 2√2 लिख दूंगा, रूट एट को मैं 2√2 लिख दूंगा, तो ये 1/√2 × 2√2, तो ये रूट टू और ये रूट टू ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 2 बचा, और एक 2 किसका आंसर है, मैं क्या कर रहा हूँ AB is equal to BC, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा therefore AB is equal to BC is equal to 2 cm, done, मीटर सेंटीमीटर नहीं है, AB is equal to BC is equal to 2, कैसे 8 के बदले 2√2 लिख दिया और √2 √2 कैंसिल, 2 बचा, AB is equal to BC is equal to 2, done, बहुत सिंपल सम था, 45-45-90 से करना था, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। एक स्क्वायर है, मैं स्क्वायर को नेमिंग दे देता हूँ एबीसीडी, मैंने अंदर से स्क्वायर को अपने आप से नेमिंग दे दिया एबीसीडी, जिसका डायगोनल इज 10, कोई भी एक डायगोनल ले लो, दोनों डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं स्क्वायर के, तो कोई भी एक डायगोनल को 10 ले लो, 10 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर, साइड भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है राइट एंगल ट्राइंगल। मैं इन ट्राइंगल ये ऐसा ले लेता हूँ ए बी सी और डी, इस तरह से डायग्राम ले लेता हूँ ए बी सी और डी, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी और बी सी और ए सी, ये सारी साइड सेम है ना, ए बी और बी सी आपस में सेम है, तो मैं इसको तो ए बी स्क्वायर ही लिखता हूँ, और ये बी सी के बदले भी मैं ए बी स्क्वायर लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी सेम है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल होता है ना, और ये ए सी के बदले क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये लिख देता हूँ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल,
ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या हो गया 2ab² और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। फिर इधर मैं फर्दर कर देता हूं, ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2ab² का 2 नीचे आके डिवाइड, तो ab स्क्वायर किसके बराबर आ गया 100/250 हो गया, तो ab क्या हो जाएगा रूट फिफ्टी क्या होता है 50 को मैं लिख सकता हूं 25 2 जा, तो ab इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 का रूट नहीं निकलता, तो ऐसा आ गया 5√2 सेंटीमीटर। तो साइड मिल गया मेरे को, साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या मिल गया 5√2 सेंटीमीटर, मैं क्या लिखूंगा therefore साइड ऑफ अ स्क्वायर, या तो साइड इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 × साइड, 4 × 5√2 हो जाएगा, तो ये हो गया 20√2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 20√2 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, ये हो गया सम खत्म। पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम से ab फाइंड कर दिया, उसके बाद मैंने ab से मतलब साइड मिल गया और पेरीमीटर होता है 4 × साइड। क्लियर, नेक्स्ट हम पे आते हैं, सिक्स के बाद में एट सम ले रहा हूं, सेवेंथ नाइन्थ और टेंथ सम हम लोग सीधा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। एट सम में दिया हुआ है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35, लेंथ 35 है और जो ब्रेथ है, लेंथ इज 35 एंड द ब्रेथ इज 12, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, इसका मुझे डायगोनल फाइंड करना है। ये ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ठीक है, तो सीधा राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी कितना है 35, बी सी कितना है 12, 1225 हो गया इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया 144, एसी स्क्वायर क्या हो गया 1369, किसका होगा स्क्वायर रूट 13, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1369, फटाफट इसका स्क्वायर रूट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, थर्टी फाइव का स्क्वायर 1225 और ये 1369 है, मतलब 35 से बड़ा है और 35 से ज्यादा नियर है, तो 37 आएगा इसका आंसर। क्यों 37 पता चला, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और यूनिट प्लेस पे 9 ही चाहिए था, इससे पता चल गया AC क्या हो गया 37 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। एक्सरसाइज में 7 सम हो चुके, 3 सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और आगे का भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लोग देख लीजिए अच्छे से।